इजी चीज़ी कॉर्न ढोकला बनाएंगे हम आज। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले। एक बाउल में हम 2 कप रवा लेंगे और उसमें फिर 1 कप दही डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। हमें सभी चीज़ों का मेजरिंग कप सेम रखना है और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसे रेस्ट करने रख देंगे 15 मिनट के लिए। तब तक मैं दूसरे बाउल में हम स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने बॉयल कॉर्न लिया हुआ है 1 कप, उसमें 1/2 कप कैप्सिकम, 1/2 कप टमाटर डालेंगे, काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे, ऑरेगानो रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे 1/4 स्पून, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर पनीर को इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। 15 मिनट बाद बैटर में हम नमक डालेंगे और पानी डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। दूसरे बाउल में थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसमें इनो डालेंगे, थोड़ा पानी डाल के उसे एक्टिवेट कर लेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी हमें ढोकला को स्टीम करना है, इसलिए मैंने एक प्लेट में तेल लगाया हुआ है। अभी जो इनो डाल रहा था बैटर में, वो वाला बैटर डाल देंगे हम उसमें और उसे स्टीम कर लेंगे हम। उसके लिए मैंने पैन में पानी गर्म करने के लिए रख लिया है। पानी अच्छे से उबल जाए फिर उसे स्टीम करने रख देंगे बैटर को। हाई फ्लेम पे हमें 5 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो हमारा ढोकला रेडी हो गया है। आप नाइफ से इस तरह से चेक कर सकते हो। फिर उसमें ग्रीन चटनी लगाएंगे, मायोनीज डालेंगे। मायोनीज की रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, घर पे कैसे बनाते हैं। फिर जो हमने स्टफिंग बनाया था वो रखेंगे। और ऊपर चीज़ ग्रेट करेंगे। आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, इसमें चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हो। फिर मैंने एक बाउल में दूसरा बैटर लिया हुआ था थोड़ा, और उसमें इनो डाल के वो बैटर को हम ऊपर प्लेस कर लेंगे। हमारा 2 कप रवा में 1 पैकेट इनो यूज़ हुआ है। बैटर को अच्छा सा स्प्रेड कर लेंगे अब, और फिर लास्ट में ऑरेगानो चिल्ली फ्लेक्स और काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। अभी इसे स्टीम करने रख देंगे वापस। इसे भी हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। पाँच मिनट बाद हम नाइफ से इस तरह से चेक कर लेंगे। नाइफ क्लीन बाहर आ रही है, मतलब हमारा ढोकला रेडी हो गया है। फिर हम इस तरह से पीसेस कर लेंगे। ढोकले को हमें गर्म ही सर्व करना है। ये इंस्टेंट चीज़ कॉर्न ढोकला हमारा रेडी हो गया है।